हेलो एवरीवन। तो यार कल रात एक ऐसा न्यूज़ आया ना जिसको देख के तुम सभी शॉक हो जाओगे। मैं कोई ज़्यादा इंट्रो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सीधे सीधे न्यूज़ दिखाऊंगा। एंड भाई वो न्यूज़ बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है, बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं है। अभी तक का सब रिसर्च करके बताया था कि फ्री फायर बैन नहीं होगा, बट भाई उस न्यूज़ के बाद फ्री फायर बैन होगा। तो कल रात एक न्यूज़ आई है जो कि है ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने डाला है कि गवर्नमेंट 50 और चाइनीज स्मार्टफोन ऐप्स को बैन करने वाला है, जिसमें फ्री फायर भी बैन हो सकता है। एंड भाई देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि भाई फ्री फायर चाइनीज ऐप नहीं है, तो क्या बोल रहा है, फ्री फायर चाइनीज ऐप थोड़ी है। तो यार देखो, अभी तुमको ऐसी चीज बताऊंगा ना जिसके बाद तुम खुद बोलोगे कि भाई इसके बाद तो फ्री फायर बैन हो ही सकता है क्या, होगा। तो यार देखो, मैं तुमको कोई शौक वॉक नहीं देना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें बता दे रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूँ पबजी क्यों बैन हुआ था। बिकॉज पबजी का जो 10% रेवेन्यू था, वो चाइना के डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा था। ठीक है, ध्यान सुनना, इंडिया से 10% लेके वो चाइना के डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा था, इसीलिए पबजी को बैन किया गया था। एंड अगर तुम गूगल पे डालोगे तो यहाँ पे क्लियरली जाएगा कि जो फ्री फायर है वो सिंगापुर का गेम है। ठीक है, क्लियरली आता है फ्री फायर सिंगापुर का गेम है, फ्री फायर जो था सिंगापुर में बनाया गया था। ठीक है, यही सोच के तुम लोग बोलते हो कि जो फ्री फायर हो चाइनीज गेम नहीं है। एंड अब मैं तुम्हें बता दूं कि जो पबजी है भाई, वो भी चाइना में नहीं बनाया, वो साउथ कोरिया में बनाया है। देख लो अपनी स्क्रीन पे, पबजी भी साउथ कोरिया में बनाया गया है, ये भी चाइना में नहीं बनाया गया था। एंड पबजी को बैन करने का रीजन था कि उसका जो रेवेन्यू था वो चाइना के पास जा रहा था। एंड जो कंपनी है गैरिना, उसको ओन करती है सिया लिमिटेड। सिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि गैरिना को ओन करती है। यहाँ पे भी ध्यान से देख लो, नीचे ओनर के नेम में सिया लिमिटेड लिखा गया है। अब तुम लोग बोलोगे मैं तुमको आखिरकार ये क्यों दिखा रहा हूँ, तो भाई देखो जो सिया लिमिटेड कंपनी है ना, उसके 18.7% शेयर्स टेसेंट के पास हैं। वो अभी तो रिड्यूस कर दिया, मैं 21.3 थे, अब 18.7 है, मतलब 18.7% टेंसेंट के पास शेयर है। एंड टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है, पबजी भी टेंसेंट का था, एंड इसलिए बैन हुआ बिकॉज टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी थी। एंड फ्री फायर को ओन करता है सिया लिमिटेड, जिसके 18.7% शेयर्स जो हैं वो हैं टेंसेंट के पास, जो कि अल्टीमेटली चाइना के पास है। तुम्हें एक और बात बता दूं कि तुम्हें पता होगा कि जब पबजी बैन हो रहा था उस टाइम पे फ्री फायर बैन होने की भी हाइप चल रही थी, बट फ्री फायर तब बैन नहीं हुआ था। एंड जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया था कि हम चाइनीज ऐप को कुछ कुछ फेसेस में बैन करेंगे, हम सारे चाइनीज ऐप एक साथ बैन नहीं करेंगे। पहले टिकटॉक हुआ, फिर पबजी हुआ, मतलब कुछ कुछ फेसेस में ये सब चाइनीज ऐप बैन हुए थे। एंड उसी फेस मैं अब मेरे हिसाब से फ्री फायर बैन होने वाला है, वो फेस आ चुका है जब फ्री फायर को बैन होना है। एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा देख लेंगे।